नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो पे। आज का वीडियो गुलाब का ऊपर है। गुलाब का पॉटिंग सॉइल कैसा बनाना है ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ये वीडियो 12 दिन का अपडेट का साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा गुलाब कैसा चल रहा है। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसमें रेत मिला हुआ है, आप रेत मिला लीजिएगा। 50% गार्डन सॉइल, 50% रेत है। इसका मैं 5 हिस्सा लूँगा इसका मदद से। ये गोबर का खाद है, आप कोई भी खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, दोनों में से कोई भी एक। इसको मैं 3 भाग इसका लूँगा। ये कोकोपीट है, कोकोपीट का मैं सिर्फ 1 हिस्सा लूँगा। तो मेरा सॉइल मिक्स रेडी है। सॉइल मिक्स में मैं लिया हूँ 3 हिस्सा गार्डन सॉइल, 3 हिस्सा रेत, 3 हिस्सा कंपोस्ट और 1 हिस्सा मैं लिया हूँ कोकोपीट। इसमें मैं 5 चम्मच लगभग नीम का खली दे दे रहा हूँ और 5 ग्राम लगभग मैं फंगीसाइड पाउडर डाल रहा हूँ। इसमें मैं साफ का फंगीसाइड यूज़ करता हूँ, आप कोई भी फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। ये 8 इंच का पॉट है जिसमें मैं नीचे थर्मोकॉल डाल दूंगा। थर्मोकॉल डालने से एयर फ्लो अच्छा रहता है, रूट रॉट का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये थोड़ा सा सॉइल डाल के मैं ये थोड़ा सा नीम का खली डाल रहा हूँ। इसमें नीचे में कोई भी छेद से चूटी वगैरह जैसा ना आए, इसीलिए आधा सॉइल भर दिया हूँ। इसमें मैं अब
नर्सरी बैग काट के उसमें लगा के देखूंगा। देखिए रूट बॉल समेत मैं इस पर लगा दूंगा। मैं रूट बॉल नहीं कुछ डिस्टर्ब करना है, ना इसको पत्ता कुछ काटना है, ना गुलाब का कुछ भी काटना, बस आपको ऐसे लगा देना है। हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ्ट पोर्शन ऊपर रखना है, उसका नीचे तक सॉइल भरना है। देखिए मैं ग्राफ्ट पोर्शन ऊपर रखा हूँ, उसका नीचे तक सॉइल भरा हूँ, और मैं ऊपर से 2 इंच का लगभग जगह रखा हूँ पानी डालने के लिए, इसे डीप वाटरिंग अच्छा से वाटर आप दे सकते हैं। पहला बार में अच्छा से पानी डाल दीजिए, पूरा सॉइल आपका गीला हो जाना चाहिए और आपका नीचे से सॉइल पानी निकल जाना चाहिए। इसे पूरा धूप में मैं रखूंगा अभी सर्दी का समय में। सर्दी का समय में सारा दिन का धूप चल जाता है गुलाब पे। गर्मी का सीज़न में सुबह 11 बजे तक धूप जहाँ है वैसा जगह में आप रखिए गुलाब को। तो दोस्तों आज 12 दिन का बाद देखिए मेरा गुलाब का पौधा, 12 दिन का अपडेट मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बहुत अच्छा सॉइल मिक्स है और बहुत ही अच्छा गुलाब चल रहा है मेरा इसमें। इस पर ढेर सारा गुलाब भी खिला हुआ है, कलिया भी आया हुआ है, नया सूट भी नया आया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 7 दिन में मैं एक बार फंगीसाइड का स्प्रे किया था इस पर। आज मैं गुलाब का पौधा में सरसों के खली में 2 दिन से भिगो के रखा था, उस पर DAP का दाना भी भिगोया था, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। सरसों का खली का एक पौधा का मैं 8 इंच का गमला का मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ। 2 चम्मच सरसों का खली और 5 से 6 दाना DAP भिगवा दीजिएगा। भिगोने के बाद उसे डाइल्यूट करके पानी में आप इसे डायरेक्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों। आप अच्छा रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।